पेठे की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 100 ग्राम तक पेठा, 8 से 10 किशमिश, केसर गार्निशिंग के लिए 7 से 8 धागे, 4-5 बादाम और इलायची। बादाम को हम बारीक कट कर लेंगे लंबाई में और इलायची को कूट कर इसका पाउडर बना लेंगे। पेठे को अब हम ग्रेट कर लेंगे। आप उसके लिए कोई भी कद्दूकस वगैरह यूज कर सकते हैं, इसे हम कद्दूकस करना भी बोलते हैं। हमारे सारे पेठे कद्दूकस हो गए हैं। अब हम एक भगोने में हमने यहां पर 1/2 लीटर दूध चढ़ा दिया है, इसे हम अच्छी तरह से खौल जाने देंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से खौल गया है तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे और थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम इसमें थोड़े से किशमिश डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक खौलने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं लगभग, तो अब हम इसमें ये ग्रेड किए हुए पेठे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं। अब हम इन्हें इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। इन्हें हमें लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाना है और बीच बीच में हमें इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हम ये खीर को बीच बीच में चला चला के पकाते रहे हैं। अब देखने में बिल्कुल बढ़िया और गाढ़ा सा लग रहा है, तो इतना परफेक्ट ये खीर बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप और भी गाढ़ा करना चाहें तो इसे थोड़ी देर तक और पका सकते हैं ताकि ये और गाढ़ा हो जाए, अदरवाइज ये परफेक्ट है। पेठा चूंकि ऑलरेडी मीठा होता है और काफी मीठा होता है, तो हमें इस खीर में अलग से शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।